सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने एक्शन कैमरा लगाया है हेलमेट में। हम अपनी दादी के यहाँ आया हूँ, कैमरा एंगल थोड़ा सेट करना पड़ेगा आई गेस। सो हम जा रहे हैं एक लॉन्ग राइड पे, मैं और शायान। चचा थोड़े से परेशान लग रहे हैं शायान की वजह से, बट आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हम निकल रहे हैं तकरीबन 12:35, 12:35, एंड मौसम अच्छा है, मज़ेदार है। घर वालों की मर्ज़ी से ही निकल रहे हैं, ऐसे कुछ बिना पूछे नहीं निकल रहे, तो बहुत आराम से जाना है, बहुत आराम से राइड कंप्लीट करनी है। जहाँ पे भी जा रहे हैं सरप्राइज़ आपको पता चल जाएगा। बाकी देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। यहाँ से मैं पहली बार ही जा रहा हूँ, तो मिलते हैं। अभी तक मुझे अब्बा के पास जाना है वहीं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, क्या हुआ चेन? सो यहाँ पेट्रोल डलवा के निकल रहे हैं। 6.5 लीटर आया है। अब सीधा मेरठ में ही रुकेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ भाई, बाय बाय बुकासी, वी आर लीविंग फॉर अनदर लॉन्ग राइड। एंड इस टाइम टू बी ऑनेस्ट सरप्राइज मेरे लिए भी है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि अभी मैं फिलहाल कहाँ जा रहा हूँ एंड कहाँ तक, मतलब वी गोना राइड अवर बाइक। सो मिलते हैं आगे, अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लें, बाहर निकल जाएं, हाईवे आ जाएं, देन वी विल मीट यू। वी रीच गढ़ राइट नाउ एंड 15-20 मिनट ही लगे हैं यहाँ तक, तो पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। यहाँ से रोड डिवाइड होती है दिल्ली के लिए, लखनऊ नैनीताल के लिए, एंड मेरठ मुजफ्फरनगर इधर उत्तराखंड साइड के लिए, दूसरा साइड के लिए। तो अभी हम मेरठ वाले रूट पे जा रहे हैं बेसिकली। गढ़ से मेरठ अराउंड 45-48 किलोमीटर है। ये मेरठ शहर की हालत है, यहाँ के आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई है इस टाइम मेरठ की रोड की। मतलब जो रोडें सबसे अच्छी होनी चाहिए इस टाइम पे, वही रोडें जो है ख़राब हो गई हैं। ये मेन रोड है, ये सिटी के अंदर लेके आ रही है रोड, और अगर यही मेंटेन नहीं है तो जो फर्स्ट टाइम यहाँ आएगा विजिटर, उस पर क्या इंप्रेशन जाएगा? तो इस चीज़ पे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को। क्योंकि रोड्स ही अगर सही नहीं होंगी तो हर चीज़ में प्रॉब्लम होगी, लोगों को भी प्रॉब्लम होगी एंड हर तरह की। देख रहे हैं आप, ये अभी हम जस्ट मेरठ में एंटर कर रहे हैं, थोड़ा सा ही जो है हमें अंदर जाना है, फिर वहाँ से कट ले लेंगे हम बाहर के लिए मेरठ कैंटोनमेंट से, तो वो हमें सीधा जो है हाईवे पे निकाल देगा आगे। एंड यहाँ जाम भी लगा हुआ है। फाइनली थोड़ी बेटर रोड्स आई हैं यहाँ मेरठ में। पीछे काफ़ी ट्रैफिक था, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था इवन, तो काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे हमें। दिन में मेरठ आना बहुत बड़ी दिक्कत है, यहाँ इससे ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है एंड रोड बहुत ख़राब है, कोई कहीं से आ रहा है, लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखे यहाँ पे, मतलब प्रॉपर यूपी वाला मामला चल रहा है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे को कनेक्ट कर रहा है ये रोड एंड इसकी क्या हालत हो रखी है इस टाइम पे। तो करना चाहिए कुछ मेरठ की गवर्नमेंट को, इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए यहाँ के लोगों को। सो वी आर हियर एट मेरठ, मेरठ के हाईवे पर आ गए हैं जस्ट अब हम। तो यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा हॉल्ट लिया है हमने। हालत आप देख सकते हो काफ़ी
खराब हो जाती है हेलमेट में। एंड सो फार अभी तक यही डिसाइडेड है कि देहरादून तक हम पहुंच जाएं, देन उसके बाद जहां जाना है वो हम डिसाइड करेंगे। शाहिन भाई कैसा लगा है राइडिंग एक्सपीरियंस आपको साथ में? बहुत शानदार एक्सपीरियंस है और यहाँ हाईवे पे मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। बट ये मेरठ वाली रोड काफ़ी ख़राब थी जिसकी वजह से हमें काफ़ी लेट हो गया। मेरठ की एंट्रेंस का तो हाल ख़राब है। चलिए मिलते हैं फिर आगे, काफ़ी रास्ता कवर करना है, अराउंड 200 किलोमीटर जाना है अभी। तो हम यहाँ मेरठ से निकल रहे हैं, बेसिकली हम आ गए हैं दिल्ली देहरादून हाईवे पे जो मेरठ में होते हुए जाता है। आई होप हम दिन ढलने से पहले पहुंच जाएं, अराउंड 5:30-5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। यहाँ से करीबन 200 किलोमीटर है अभी। तो अभी हमने यही डिसाइड किया है कि आज हम देहरादून में स्टे कर लेंगे, बाकी का जो भी जर्नी हम आगे वो कल कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं डेस्टिनेशन पे अपनी। मेरठ से निकलते ही है जस्ट ये, तो अब यहाँ से 45 किलोमीटर से मुजफ्फरनगर। तो शायन भाई का अरे भाई एक्चुअली वो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो थोड़ा सा मुझे भी जो है ध्यान से चलानी पड़ गई है कि कहीं मैं आगे ना निकल जाऊँ, क्योंकि मुजफ्फरनगर के जस्ट बाद उस लाइक बाईपास पे ही कट है जो हमें दूसरे हाईवे से जोड़ देता है, तो उस चीज़ का मुझे देखना है। राइट हैंड को चले आओ, बस आप नक्कड़ का फ्लाई ओवर पार करके जाओगे जी जी, आगे आपको एक ही 4 लेन का रोड मिलेगा। हाँ, वो ऊपर जा रहा है। हाँ जी, हाँ 4 लेन के रोड को साथ ही पार करते गए भी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाईवे के ऊपर चढ़ जाओ। ठीक है, वो सीधे वहीं निकाल देगा बाहर हमें। ठीक है ठीक, ओके ठीक है, शुक्रिया। चलो भैया बिस्मिल्लाह, अभी यहाँ से तकरीबन 106 किलोमीटर है देहरादून, एंड टाइम हो रहा है 3:42। चले
देहरादून में पहुंच गए घर पे सही सलामत। राइड सही कैसी रही? सही रही है ऐसे, बस एंड में थोड़ा हेलमेट की वजह से रात पे सिटी में आने की वजह से थोड़ा टाइम लग गया सिटी में, बाकी हाईवे तो बहुत अच्छा है, बाकी हाईवे बहुत अच्छा था, रोड्स अल्टीमेट थे, 100-120 की स्पीड में आए। चलिए ठीक है, नहीं नहीं 100-120 नहीं आए, 70-80 ही आए, मेरी तो 120 चलती ही नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग, ओके बाय बाय बाय, टेक केयर।